है हिमाचल की खबरों का। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर मोहर लगी है, जिसमें बिना पंजीकरण के भी प्रदेश में प्रवेश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों की लगातार मांग के चलते पंजीकरण को खत्म किया गया है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक ही अब प्रदेश सबके लिए खुल गया है। पर्यटकों सहित दूसरे लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी इंटरस्टेट बसें नहीं चलाई जाएंगी। अब उन्हीं लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा जिनको सर्दी जुकाम और बुखार के लक्षण होंगे, और जिन लोगों के पास घर में अपनी सुविधाएं हैं उनको होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। एक निर्णय हमने पिछली कल की कैबिनेट में बॉर्डर खोलने का दिया। बॉर्डर बंद तो नहीं थे, बॉर्डर खुले थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमने एक व्यवस्था रखी थी रजिस्ट्रेशन लोगों का आने जाने का, और उसमें एक ही हमारा मकसद था कि उसमें जो लोग आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, तो ताकि कोई अगर पॉजिटिव आता तो ऐसी सूरत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर इस बात को लेकर के जो फीडबैक हमारे पास आया कहा कि आने जाने में असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, रोका जाता है वो उस फॉर्मेलिटी में। और दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी इस बात के लिए आग्रह था कि अब रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया जाए, आने जाने की प्रक्रिया को खुला कर दिया जाए, तो हमने वो कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर सोलन से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो जाकर जनता से उनकी राय जानी चाहिए। आइए इस वक्त हमारे साथ इसमें मौजूद है एक व्यक्ति जिनसे बात करते हैं कि क्या ये लॉकडाउन जो खुला है आपको लगता है कि लोगों को बिना पास के और बिना किसी इजाजत के आने देना चाहिए, क्या इसके फायदे होंगे या नुकसान होंगे? देखिए, जैसे अगर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय दिया है तो ये निर्णय मैं कहूँगा कि बहुत गलत है, क्योंकि लगातार जो कोरोना संक्रमण है बढ़ता जा रहा है। रोज 100 से 150 मामले जो सोलन में है वही आ रहे हैं, और लगातार जो लोग हैं पहले ही यानी चोर रास्तों से सोलन में प्रवेश कर रहे थे, और लेकिन उसके ऊपर भी कोई चेक नहीं था। अब तो अगर पूरा ओपन कर देंगे तो आप देख सोच सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे। तो आप ये मानते हो कि ये ठीक है या नहीं? बिल्कुल गलत है। इस वक्त तो ये करना चाहिए था कि बॉर्डर अभी और सील करने चाहिए थे। लोग भी यही बोल रहे हैं, हम भी यही बोल रहे हैं कि कम से कम 10 से 15 दिनों का लॉकडाउन होना चाहिए था। इसी के चलते हमारे साथ एक मौजूद हैं, एक और लक्ष्मी दत्त जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं लक्ष्मी जी से। क्या लक्ष्मी जी, ये आपको लगता है कि जो लॉकडाउन है ये सही है, और अगर सही है तो कैसे सही है, और गलत है तो क्या गलत है? मेरे हिसाब से लॉकडाउन सही है और कभी ना कभी, क्योंकि ये महामारी बहुत लंबे समय तक चलती आ रही है। अगर हम ये देखें तो अगर हम लॉकडाउन ही करते रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? लोग घर में बैठ करके अपना, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे गाड़ियां जो है अब अगर वो आएंगी बिना किसी कॉन्टैक्ट के आएंगी तो ट्रेसिंग करना मुश्किल होगा, कोरोना जैसे बढ़ रहा है वो उससे ज्यादा घातक हो जाएगी स्थिति? देखिए कि हिमाचल प्रदेश में अब लोग कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, ऐसे समय में अब ये कहना कि बाहर के लोग से संक्रमण आ रहा है या अंदर के लोगों से संक्रमण आ रहा है ये अलग बात है। ये संक्रमण हर जगह फैल चुका है, इस स्थिति में अब तो आपने देखा कि किस तरह से बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं। कहीं ना कहीं जिस बारे में अगर हम बात करें कि कोरोना के संक्रमण के चलते बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये चाह रहे हैं कि कोरोना जो है कोरोना की वजह से कंप्लीट लॉकडाउन कुछ समय के लिए कर देना चाहिए। कुछ लोग व्यापार के मद्देनजर चलते हुए ये कह रहे हैं कि नहीं, व्यापार को बहुत नुकसान हो चुका है, तो आम जनता भी इस बात को कहीं ना कहीं कुछ ही मायनों में माने पर अप्रिशिएट कर रही है कि चलिए खुल गया तो अब जो है विकास जो है वो थोड़ा सा तेज गति से दौड़ेगा। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया। वहीं चंबा में डलहौजी विधानसभा से बीजेपी अध्यक्ष यशपाल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर कोरोना काल के बीच लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं यशपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कोरोना काल में लोगों की असंभव मदद की है। लोगों को फ्री में मास्क और सैनिटाइजर भारी मात्रा में बांटे गए हैं। इसके अलावा बीजेपी सरकार में फ्री में राशन मुहैया करवाया गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश जनता अब कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाली। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में हिमाचल के मरीजों की एंट्री बैन करने को लेकर बुधवार को लोगों ने रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश सरकार के खाते में करोड़ों रुपए जमा होते हैं, वे कहां जाते हैं? कोरोना काल में आए पैसों से सरकार के मंत्री गाड़ियां खरीदते हैं। धरना दे रहे लोगों ने कहा कि नालागढ़ में एक ही सिविल अस्पताल है जहां की हालत खस्ता है और लोगों को इलाज के लिए पीजीआई ही आना पड़ता था। उन्होंने ये भी बताया कि इलाज की कमी के चलते बहुत सारे मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बरसात के बाद प्रदेश में डेंगू फैलने का खतरा रहता है, जिसके लिए सिरमौर में आशा वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने पिछले एक महीने से जागरूकता अभियान
चला है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता का ही नतीजा है कि अभी तक जिले में एक भी डेंगू के मामले नहीं आए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पराशर ने लोगों को एहतियात बरतते हुए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही है और कहा है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर डेंगू के केस अभी तक एक भी नहीं आया। जिस तरीके से इनकी तरफ से अभियान चला जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ताकि लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और आप अन्य चैनल्स पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेज पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।